गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आर एल अकेडमी। बच्चों अपन कर रहे थे इंग्लिश के अंदर नरेशन। नरेशन की तीन वीडियोज अपन कर चुके हैं और जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपन ने जाना कि डायरेक्ट अगर असर्टिव सेंटेंस का हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय अपन असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से यानी कि बनाएंगे, ये लास्ट वीडियोज में अपन ने जाना। उसमें अपन ने ये जाना कि अगर असर्टिव सेंटेंस अगर दिया हो तो उसमें सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है और दो वाक्य को जोड़ने के लिए सेड का प्रयोग किया जाता है। और साथ में अपन ने यह भी पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो, तो अपन क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंजिंग करेंगे। तो टेंस चेंजिंग जो यानी कि टेंस संबंधित जो परिवर्तन है वो भी अपन लास्ट वीडियो में अपन कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है उसमें बच्चों अपन करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बच्चों जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव वाक्य है वो दो प्रकार से शुरू होते हैं या उसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले यानी अगर बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की वो ये है कि ये एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इंटरोगेटिव किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। कि रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे शुरू होगी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इनसे शुरू होना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाना, ये कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य होगा। दूसरा बच्चों यानी जो इंटरोगेटिव जो होता है वो डब्ल्यू एच शब्द से शुरू होना, डब्ल्यू एच शब्द से शुरू होना मतलब रिपोर्टेड स्पीच है वो किन से शुरू होगी, डब्ल्यू एच शब्द से शुरू होगी। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इन शब्दों से यानी शुरू होना और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगना। तो बच्चों आज पहले अपन जो करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहला पार्ट जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसको यानी कि करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देख लीजिए अपन जो कर रहे हैं उसका नाम है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। और आज के पार्ट में, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब पहचान अगर बात की जाए तो रिपोर्टेड स्पीच दो प्रकार से स्टार्ट होती है इंटरोगेटिव में, ध्यान रखिए। पहला क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है मैं आपको बता चुका हूं। और दूसरा ये इंटरोगेटिव किन से शुरू होता है, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, जो डब्ल्यू एच या हाउ से शुरू हो, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड से। तो ये तो बच्चों थोड़े से यानी कि बेसिक यानी कि जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। तो इसमें दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले अपन पहला टाइप लेते हैं क्या, एच वी से स्टार्ट होने पर, कि अगर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच एच वी से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इनसे स्टार्ट हो, तो अपन को क्या ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि सेड टू जो दिया है रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में, उस सेड टू को आप किस में बदल दोगे, आस्कड में बदल दोगे। ध्यान रखिए पहले अपन ने असर्टिव सेंटेंस किया था, सिंपल सेंटेंस किया था, उसमें सेड टू को बदला था टोल्ड में। अब क्या है, एच वी से स्टार्ट हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है, सेड टू को आस्कड में बदलना है। आगे बात समझ में। और अब दूसरी बात क्या है, दो वाक्य को जोड़ने के लिए, दो वाक्य को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या है, दो वाक्य को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, मैं बदलेंगे नहीं, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब इफ का प्रयोग कहां पे होगा बच्चों और वेदर का कहां पे होगा वो मैं आपको वीडियो में यानी कि बताने वाला हूं। तो जैसे जैसे अपन एग्जांपल करेंगे आपको बताएंगे। ज्यादातर इफ का प्रयोग यानी कि एग्जाम में आता है, वेदर का भी यानी बता दिया जाएगा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कि एग्जाम्पल के अंदर वेदर कहां पे आपको करना है। अब बात ये तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इनडायरेक्ट बनाते समय जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको किस में बदला जाता है, असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है। इनडायरेक्ट बनाते समय प्रश्नवाचक वाक्य को किस में बदला जाता है, असर्टिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य में। कि इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य को सकारात्मक में अपन बदल देंगे। सकारात्मक में बदलेंगे, प्रश्नवाचक में एच वी से स्टार्ट होता है और सकारात्मक में किस से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगी। तो ये अपना बच्चों यानी बेसिक से यानी कि नियम है जो कि आपको यानी कि तैयार करने हैं। अब अपन करने वाले हैं इसके एग्जांपल्स, के एग्जांपल यानी कि किस तरह से यानी कि होंगे। तो देख इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ एग्जांपल्स है उसको अपन यानी कि करने वाले हैं। अपन ने जान लिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है
एचवी से यानी कि शुरू होगा। फर्स्ट टाइप अपन कर रहे हैं तो एचवी से स्टार्ट हो तो सेड को आस्कड में बदलेंगे और जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो ये अपन ने किया। तो पहले देखिए एग्जांपल और कोमा, इन्वर्टेड कोमा जितनी भी है उन सबको यानी हटा दिया जाएगा। बार बार बताने की इसमें आपको जरूरत नहीं है, लास्ट वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए एक एग्जांपल है, ही सेड टू सीता, डायरेक्ट ये है ये एग्जांपल, ही सेड टू सीता आर यू ए गर्ल, आर यू ए गर्ल। अब देखिए स्टार्ट किससे हुआ है, एच वी, इज एम आर वॉज वर, ये क्या है, एच वी हेल्पिंग वर्ब है। तो एच वी से स्टार्ट हुआ है ये, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब ये कौन सा है, इंटरोगेटिव है, और ये एचवी से शुरू होने वाला वाक्य है। जब एचवी से शुरू होने वाला वाक्य हो, रिपोर्टेड स्पीच एचवी से शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी कि दिया हो, तो सेड टू को आस्कड में बदला जाता है। तो इसको अपन करेंगे तो ही सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्कड में बदलेंगे। तो ही आस्कड मतलब टू को हटा दिया जाता है और बचा क्या, सीता, ही आस्कड सीता, इतना वाक्य हुआ। अब देखिए एक पार्ट इतना हो गया, अब दो वाक्य को जोड़ करके एक बनाना है। एक बनाने के लिए अपन कनेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं, कंजक्शन का यूज करते हैं, और वह कंजक्शन इंटरोगेटिव में क्या लगता है, या तो इफ लगाइए या वेदर लगाइए। अब बच्चों बताएं, जैसे यानी कि वेदर कब करना है, वेदर का मैं आपको बता देता हूं, वेदर का बहुत कम आता है फिर भी आ जाए। तो वेदर का जैसे क्वेश्चन किया जाता है, आर यू ए गर्ल और नोट, कि आर यू ए गर्ल और नोट, लास्ट में और नोट आ जाए तब तो वेदर करना है, वरना क्या करना है, इफ करना है। तो इसमें आप जैसे आर यू ए गर्ल और नोट, सिंपल सा क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आप लड़की हो या नहीं हो, आर यू ए गर्ल, गर्ल की जगह यानी कि स्टूडेंट, गर्ल की जगह जैसे यानी कि यहां स्टूडेंट कर दो, स्टूडेंट ज्यादा बेटर रहेगा, गर्ल भी कर सकते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आर यू ए स्टूडेंट और नोट, और नोट आ जाए वेदर करिए यहाँ पे, वरना क्या करोगे, इफ। तो क्या किया, ही आस्कड सीता और इधर क्या कर दिया, इफ, इफ से जोड़ दिया, क्योंकि और नोट नहीं लगा हुआ है। अब क्या करोगे, इतना हो गया अपना। लास्ट का नियम क्या था कि इनडायरेक्ट बनाते समय इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। असर्टिव सेंटेंस का बच्चों रूल क्या होता है, सब्जेक्ट लाइए, हेल्पिंग वर्ब लाइए, वर्ब लाइए और ऑब्जेक्ट लाइए, ये होता है। इसमें क्या है, एचवी, मतलब सीधा सा यही है कि ये तो एचवी है ना, इसको तो आप दो नंबर पे रख दो, और ये जो सब्जेक्ट है इसको आप एक नंबर से रख दो, बस इतना ही करना है। इसको तो यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ। अब यू देखिए, इसको दो नंबर पे लिख देंगे अपन। जैसे यू है कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। आई माई मी वी आवर अस पहला पर्सन है, यू योर यू सेकेंड पर्सन, पहली फॉर्म। सेकेंड पर्सन को बदलोगे किसमें, सीता में, ऑब्जेक्ट में बदला जाता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में। तो यू को सीता में बदला तो क्या आया, सी, सीता के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी। तो यहां क्या कर दिया आपने, सी। तो ही आस्कड सीता इफ सी। अब देखो यहां पे एक नंबर पे तो इसको चेंज करके सी लिख दिया, अब देखिए यहां पे दो नंबर पे क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव का अब असर्टिव सेंटेंस में बदल रहे हैं। इज एम आर को किस में बदला जाएगा, आप देखिए टेंस चेंज कीजिए, इज एम आर को बदलेंगे वॉज या वर्ब, किस में बदलेंगे, वॉज या वर्ब। अब सी सिंगुलर है तो वॉज कर दो, अगर प्लूरल है तो वर्ब कर दो। तो सी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। अगर इज एम आर है तो इसको बदला क्या आया, वॉज या वर्ब। तो सी वॉज ए स्टूडेंट, सी वॉज ए स्टूडेंट। और लास्ट में अब ये जो पर्सन वाचक जो चिन्ह है इसको हटा देंगे, क्योंकि असर्टिव में बदला है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप वाचक। ठीक है बच्चों, अगर बाय चांस यहां और नोट होता तो क्या कर देते, ही आस्क्ड सीता वेदर, क्या कर देते, वेदर, सी वॉज ए स्टूडेंट और नोट। ठीक है, लास्ट में वो ही फुल स्टॉप। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीता सेड टू रवि, सीता सेड टू रवि, स्टार्ट किससे हुआ है, एच वी, कैन से, मॉडल क्या है, एज, एज ए हेल्पिंग वर्ब है, कैन यू हेल्प मी इन माय वर्क। तो इसको अपन करेंगे, देखो एच वी से स्टार्ट हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इसमें अपन क्या करेंगे, सीता का सीता लिख दिया, सेड टू को बदलेंगे किसमें, आस्कड में। ठीक है, बच्चा क्या, रवि, तो सीता आस्कड रवि, जोड़े किससे, एच वी से स्टार्ट हुआ है तो आप इफ या वेदर से, अगर और नोट होता लास्ट में तो वेदर कर देते, वरना यहां पे क्या करोगे, इफ। तो सीता आस्कड रवि इफ
अब केन इसको आप दो नंबर पे ले आओ, केन को एच बी को, और इसको आप एक नंबर पे ले आओ। अब यू है, यू किस में बदलेगा? सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? रवि। अब रवि के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। तो इफ ही, अब देखो इसको अपन ने बदला रवि में, अब दो नंबर पे जो केन बच गया है उसको लेंगे। केन को किस में बदलेंगे? कुड में। केन को किस में बदले? कुड में। तो क्या हो जाएगा? इफ ही कुड हेल्प, अब देखिए मी आ गया, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस थर्ड फॉर्म, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है? सीता। अब देखो सीता के लिए आता है सी, अगर यहां आई होता तो इसका यहां सी कर देते, लेकिन यहां आई की थर्ड फॉर्म मी है, तो यहां सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हर हो जाएगी, सी हर हर। तो ही कुड हेल्प हर इन, अब देखिए दोबारा आ गया प्रोनाउन चेंजिंग, माई, माई फर्स्ट पर्सन सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है? सीता। आई की सेकेंड फॉर्म माई, सीता की सेकेंड क्या होगी? सीता की फर्स्ट होती है सी और सेकेंड कर दोगे हर, तो क्या हो जाएगा? ही कुड हेल्प हर इन हर वर्क, और पर्सन वाचक को इन्वर्टेड कोमा को इनको हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए अगला, ही सेड टू देम डू यू लाइक टी, डू एच बी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब देखो डू वर्ब भी होती है, डू डिड डन, लेकिन अगर यहां वर्ब आएगी तो यहां लास्ट में पर्सन वाचक नहीं आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे डू क्या है? डू से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में पर्सन वाचक चिन्ह है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, ही सेड को बदला, सेड टू को किस में बदला? आस्कड में, देम ही आस्कड देम। अब देखिए डू से स्टार्ट हुआ है तो क्या कर देंगे? इफ से जोड़ देंगे, किस से जोड़ देंगे? इफ से जोड़ देंगे। अब देखिए डू डज हेल्पिंग वर्ब है, इसको तो आप लाओ दो नंबर पे और इसको लाओ आप एक नंबर, इसको लाओ आप एक नंबर। तो देखिए यू को बदला किस में? ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है? देम। तो देखिए यहां पे यू है, यू है तो क्या आ जाएगा? इधर देम, देम में बदलेंगे, यू की फर्स्ट यू, देम की फर्स्ट क्या हो जाएगी? दे हो जाएगी, इफ दे। अब देखिए बच्चों, अब डू डज को बदलेंगे, किस में बदलेंगे? डू डज को बदलेंगे। अब यू को तो बदल के देम में दे कर दिया, अब बचा क्या? डू। अब देखिए डू डज को किस में बदला जाता है? डू डज को बदला जाता है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस में बदला जाता है? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो एक बार के लिए अपन लिख देते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज को बदला डिड में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? लाइक। तो क्या हो गया? डिड लाइक, क्या हो गया? डिड प्लस लाइक। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, असर्टिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है, असर्टिव सेंटेंस में क्या नहीं होता है? डिड का प्रयोग नहीं होता है। जब आपको सकारात्मक वाक्य में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ रही है, सकारात्मक वाक्य में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ रही है, तो आप डिड को तो हटा दीजिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बना दीजिए? सेकेंड फॉर्म बना दीजिए। तो जैसे यहां पर डू है, डू को बदला डिड में, असर्टिव सेंटेंस है और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अपन ये नहीं लिखे दे डिड लाइक, दे डिड लाइक की जगह आप क्या करोगे? डिड को तो हटा दो और लाइक है इसकी सेकंड बना दो, तो इन दोनों को हटा के लाइक की सेकंड क्या बन गई? लाइक। तो क्या हो गया? ही आस्क्ड देम इफ दे लाइक, अब बचा क्या? टी, और क्वेश्चन मार्क को हटाया। समझ में आया बच्चों? अब देखिए अगला एग्जाम्पल, आई सेड टू हर डू यू नॉट प्ले इन द इवनिंग। तो देखिए आई सेड टू को बदला किस में? आस्कड में, हर जोड़े किस से? इफ से। अब देखो डू है, इसको एल्पी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसको दो नंबर पे लाएंगे और इसको एक नंबर पे, तो यहां पे यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है? हर, और हर के लिए क्या आएगा? सी। हर के लिए क्या आएगा? सी। अब देखो बच्चों डू या डज को किस में बदलेंगे? डिड में। किस में बदलेंगे? डिड में। तो यहां आपने कर दिया डिड। अब आगे बचा क्या है? नोट प्ले, डिड नोट प्ले। अब देखो बच्चों यहां पे अपन ने क्या किया है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि अगर यहां नोट दिया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, मतलब अब इस इंटरोगेटिव नेगेटिव को अपन किस में बदल रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस में बदल रहे हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में डू डज भी लगता है और डिड भी लगता है। आगे बात समझ में? इसमें देखो नोट नहीं था,
जब नोट नहीं दिया है तब तो आप सेकंड फॉर्म कर दो, और जब नोट दिया है तब डू डिज का आप डिड में करोगे। तो सी और यू को बदला ऑब्जेक्ट में हर में, तो क्या आया यू को ऑब्जेक्ट में बदला तो सी, और डू डिज का डिड, नोट प्ले इन द इवनिंग। बच्चों सीधा सा मतलब यही है कि अगर यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नोट नहीं दिया है तब तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दिए, डिड को हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो। अगर यहां इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो इधर नेगेटिव में बदलना है, न कि आपको असर्टिव में बदलना है, क्योंकि नेगेटिव में क्या लगती है, डिड लगती है, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां ये नोट हटा दिया जाए तब क्या करना है आपको, सी डिड नोट प्ले नहीं करना है, यहां पे आपको सी डिड प्ले नहीं करना है, तब आप क्या कर दोगे, डिड को तो हटा दोगे और प्ले की सेकंड बना दोगे, सी प्लेड इन द इवनिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब अगला देखिए, अगला है यू सेड टू मी सेल आई कंपेयर यू, सेल क्या है एच वी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें क्या करेंगे, सेड को आस्कर में, यू आस्कर टू को हटाया, मी यू आस्कर मी जोड़े किससे, इफ से। अब देखो इसको तो ले आओगे दो नंबर पे और इसको एक नंबर पे, अब आई कौन सा पर्सन है, पहला पर्सन है, सब्जेक्ट में बदलेगा, सब्जेक्ट क्या है यू, सब्जेक्ट क्या है यू, आई को यू में बदला तो क्या आया यू। अब देखो अब दो नंबर पे लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल विल। देखो बच्चों जितने भी हेल्पिंग वर्ब है लगभग सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग लगती है, लेकिन दो हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग नहीं लगती है, वो कौन सी है, सेल और वी। सेल का प्रयोग कब करते हैं, आई और वी के साथ किया जाता है, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल का, और अदर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो देखिए आई के साथ सेल लगा हुआ है, अगर यहां वी होता तो भी सेल आता, लेकिन यहां आई को चेंज करके यू कर दिया, अब यू के साथ सेल नहीं आएगा, क्या आएगा, विल आएगा, और विल को बदलेंगे किसमें, वुड में, सेल विल को किसमें बदलते हैं, वुड में। तो यू वुड कंपेयर, अब देखिए यू सेकेंड पर्सन, और यहां पे अगर सब्जेक्ट में इधर होता तो मतलब यू सब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद आया मतलब यू योवर यू, यू की पहली भी यू और तीसरी भी यू, तो ये यू किसके रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया है, तो यू की थर्ड फॉर्म है ये, ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है हर, यू की थर्ड फॉर्म यू, ऑब्जेक्ट हर, हर की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है हर, हर सी हर, हर सी की दूसरी फॉर्म भी हर, तीसरी भी हर, तो यहां क्या हो जाएगा, यू को हर में बदल देंगे और क्वेश्चन वाचक को किस में बदल देंगे, फुल स्टॉप में बदल देंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको यानी कि पसंद आई होगी, फिर भी किसी तरह की यानी कि दिक्कत हो आप मुझसे यानी पूछ सकते हैं। कल की वीडियो में अपन सीखेंगे WH वर्ड सेंटेंस, जो कि आज की वीडियो में अपन कौन सा सेंटेंस सीख चुके हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख चुके हैं, इसमें बस ध्यान आपको इतना ही रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस पहला पार्ट अपन कर चुके हैं, एचवी से शुरू होना, एचवी से शुरू हो तो सेड टू को आस्कर में बदल दीजिए, जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग कीजिए, अब इफ कब करना है वेदर कब करना है ये वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, और इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव सेंटेंस को आप किस में बदल दोगे, यानी कि सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के अंदर आप बदल दोगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब